हमारे बीच में आज 5 साल के पहले हमारे बीच में दो जो विधायक था उसने हम लोग का जो भी काम किया था नहीं हुआ था, उसलिए अभी हमारे निकमिंग सर आया है और इस 5 साल में जो भी हम लोग का पेंडिंग था काम, बहुत सारा काम था और इसमें से शायद 75-80% निकमिंग सर में कर दिया है। उसलिए हमारे जो भी अभी आदिवासी विधायक आए हैं उससे वो लोग को हम लोग सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वो सिर्फ आया है हमारे निकमिंग सर को वोट काटने के लिए, वो जीतने के लिए नहीं है। और हमारे आदिवासी लोग उसको वोट नहीं देगा, क्योंकि हमारे निकमिंग सर ने इस 5 वर्ष में जो साल 25 वर्ष में नहीं हुआ था वो काम को कर दिखाया हम लोग को। उसलिए हमारे आदिवासी में जितना भी वोट है 80% उसका ही है। आज तो आप लोग देख लिया हम लोग का रैली में कितना आया था, उसलिए अभी भी विनर ही है सर। सिर्फ हम लोग इंतजार है 23 मई का लिए, और जो भी हम लोग का हमारे कम्युनिटी का जो भी काम था, बहुत बड़ा बड़ा काम था, उसको कार दिखाया सर ने। क्योंकि हमारे जो सबसे पहचान नॉर्थ ईस्ट का बोलेगा कि हमारे जो बिरसा मुंडा का स्टूडियम एक दिया है और बस्ती बस्ती में भी जो भी हम लोग का नहीं था पहले, जैसे स्कूल, कालवाड़, रास्ता, इलेक्ट्रिक, पहले तो हम लोग का बीपीएल राशन कार्ड भी नहीं था, वो सर ने आकर हम लोग को दिया है। और बच्चा लोग को भी पढ़ने के लिए पहले स्कूल में भी कहीं कहीं में इतना पॉपुलेशन था उसमें स्कूल नहीं था, स्कूल दिया सर ने। रास्ता आना जाना के लिए प्रॉब्लम था उसमें कालवाड़ दिया सर ने। और अभी ऑलमोस्ट बहुत काम कर चुका है, उसलिए सर को इस बार फिर से हम लोग 19 का एमएलए है और जीत गया है वो, इसमें वोट का नहीं। आज तो देख लिया हम लोग का सब अपने अपने हाथ में अपने इलेक्शन कार्ड को लेकर सर के नाम से पूरा निकला है और जय जय बोला है, यही है। और इसमें हमारे आदिवासी कैंडिडेट आने से भी, जो भी कैंडिडेट आने से भी, जो भी पार्टी का होने से भी हम लोग का मतलब नहीं, सिर्फ हम लोग आदमी को देखता है। आदमी हमारे निकमिंग सर जैसे हम लोग का आदमी नहीं है, उसलिए और एक बार हम लोग उसको जीत गया, उसको तो जिताने वाला बात ही नहीं है, जीत गया है। तब निकमिंग सर को ही जीत गया जी जी जी। जैसे कि लोगों का कहना है कि निकमिंग सर जो है 5 साल अभी एमएलए रह चुका है। हाँ जी, एमएलए है जी। लोगों का कहना है कि 5 सालों में वो कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, उसका ऊपर आपको क्या कहना है? ना बहुत चकिया हमारे निकमिंग आने के बाद 5 साल के अंदर बहुत डेवलप हुआ, जैसे कि सकमा कम्युनिटी का, जैसे हम लोग का ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग बरसाती में बरसाती में हम लोग निकमिंग सर आने के बाद ही मिला। जैसे पहले 25 साल निकमिंग सर का पहले जितना हम लोग कोशिश किया था बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट किसे पाऊंगा, किसे मिलेगा, फिर भी हम लोग इतना कोशिश करके नहीं मिला। हमारे नी कमेंट आने के बाद ही हम लोग वही सुविधा मिला था, इसलिए जैसे कि और बर्थ सर्टिफिकेट मिला और छोटा मोटा शीश जितना भी है हम लोग मिला था। जैसे हर गांव में बिजली मिला और क्लब मिला मीटिंग करने के लिए, और छोटा मोटा शीश जो भी है हम लोग मिला था, पहले कुछ नहीं मिला। बॉडुमसा स्कूल का एडमिशन हो नहीं पाया, जैसे हम सकमा के लिए कम्युनिटी के लिए बॉडुमसा गॉप सेंटर स्कूल बंद था, और सर आने के बाद साथ साथ पूरा एडमिशन पूरा खुल गया,
और हमारा बच्चा हमारे छोटा बच्चा क्लास 8 पास होके अभी यहाँ में पढ़ाई कर रहा है, बहुत सुविधा हो गया। আমি সারক আমি এজন ভাল ব্যক্তি হিসাবে আমি সিলেক্ট করেছো। তেখেতে আমার বরুণ সার ডাইনত যি হোক নহোক আমাক সুখ শান্তিত থাকিবলৈ দিছে, আর আমি অন্তত দুখিয়া দরিদ্র সীমা তলরেখা মানুহে আমি টিবেল সাইকেল আর টিংপাত এইবিলাক আমার বহুত অসুবিধা, আমার তেনেকে চাকরি বাকরি ক্ষেত্রে কোনো মানে অর্থনৈতিক দিকত আমি বহুত দুর্বল, সেই ক্ষেত্রে আমি বহুতখিনি উন্নতি হয়েছো। আর আমার বিশেষকৈ গাঁৱৰ সমাজত সৰু সুৰাকৈ হলেও রাস্তা কালভাৰ কারেন্ট জব কার্ড এইবিলাক যিকোনো ক্ষেত্রে তেখেতে আমাক বহুত সহায় কৰিছে, সেইটো কাৰণে আমি তেখেতক এজন ভাল ব্যক্তি হিসাবে মানে গণ্য দি কিনে তেখেতক আমি এবার আকৌ এমএলএ উঠাম বলে আমি সকলো রাইজে মানে প্রতিশ্রুতি দিছো। जैसे कि सभी लोग बोलते हैं कि नीक कमी सर जो है वो अभी विधायक है, यहाँ का विधायक है, 5 सालों में वो उन्होंने कहा, पब्लिक कहता है कि कुछ भी डेवलपमेंट नहीं लाया है, तो आपको उसको लेके आपको क्या कहना है? बेलेगर राइजर कथा तो मैं ना जानू, किंतु आमी जीतु देखिसु আগৰ 25 দিন আৰু এতিয়া 5 দিন, আমাৰ এই 5 দিনত বহুত ডেভেলপ হৈছে, সেইটো কাৰণে আমি তেখেতক যিটো কৰিছে আমি ভালেই কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ।